दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है और आपने कई सारे आपने वीडियो भी देखा हो कि हमारे चैनल पे भी 2-3 वीडियो बनाया था कि इंटरनेट को कैसे फास्ट किया जा सकता है, लेकिन वो चीज जो है ना 2019 में था। लेकिन इस वीडियो में 2020 का 5 ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा। सच में यदि आप ये सेटिंग अपने एंड्रॉयड फोन के अंदर कर लेते ना तो आपका इंटरनेट जो है ना इतना ज्यादा रॉकेट से भी ज्यादा तेज चलने लगेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जो एक्चुअल 4G इंटरनेट जो है ना आपको स्पीड देने लगेगा, और ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, क्योंकि ये जो पांचों सेटिंग है ना मैं अपने फोन के अंदर ऑन करके जब मैं इंटरनेट को यूज किया ना, सच में मुझे खुद पे यकीन नहीं था कि यार ये सेटिंग करने के बाद मेरे मोबाइल के इंटरनेट इतना ज्यादा फास्ट भी हो सकता है। तो मैंने सोचा कि यार 2020 में आप सभी को ये सेटिंग के बारे में पता चलना चाहिए यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट स्लो हो। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते ना तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसईओ के अंदर कुछ ऐसे सेटिंग बताया हो ना, यदि आप ये सच में ये सेटिंग कर लेते ना तो आपका इंटरनेट जो है ना रॉकेट से भी ज्यादा तेज चलने लगेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। यदि दोस्तों जानना चाहते कि वो 5 खुफिया सेटिंग कौन सी है और कहां पे मिलेगा आपके फोन के अंदर और कैसे इंटरनेट को फास्ट कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों यदि जानना चाहते ना ये सेटिंग कौन सी है तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो को लाइक का टारगेट है कम से कम जो है ना 7000। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पे काफी ज्यादा प्यार देंगे, और ये जो लाल वाला बटन क्लिक करके चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब पे ऑल नोटिफिकेशन है। इस वीडियो को आपको ऑल नोटिफिकेशन दबा देना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा। यदि आपके मोबाइल में फोटो डिलीट हो चुका ना तो इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और कॉमेंट में जाएंगे ना तो कॉमेंट में आपको एक छोटी सी कॉमेंट कर देना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा नेट फास्ट और यहाँ पे सेंड कर देना होगा। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद चलिए मैं आपको 5 ऐसी खुफिया सेटिंग बता देता हूं। सबसे पहला खुफिया सेटिंग आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों इस एप्लीकेशन का क्या काम है और वो जो 4 सेटिंग बताऊंगा ना आपके फोन के अंदर काफी हिडन सेटिंग है जो आपको जो पता नहीं चलेगा कि ये सेटिंग कहां पे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाएगा, और ये जो देख रहे ना सिस्टम एप्लीकेशन, दोस्तों आपको पता होगा कि आपके फोन में ढेरों सारे से सिस्टम एप्लीकेशन होते हैं बाय डिफॉल्ट होते हैं, और आपको पता है कि जो सिस्टम एप्लीकेशन आप यूज भी नहीं करते ना तो सभी एप्लीकेशन थोड़ा थोड़ा इंटरनेट लेते रहता है, और जैसे इंटरनेट थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता रहेगा ना तो वैसे ही आपका इंटरनेट जो है ना काफी ज्यादा स्लो होने लगेगा। तो आपको क्या करना है कि सिस्टम एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनेबल करना होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम ऐप है ना आपके फोन के अंदर ये सेटिंग नहीं मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन को आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से इंस्टॉल करने के बाद प्ले बटन पे क्लिक करना है। जैसे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे ना जो भी एप्लीकेशन होगा ना वो क्लोज हो जाएगा आपके बैकग्राउंड से, जैसे क्लोज होगा ना और आपका इंटरनेट जो है ना कम से कम जो है मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 40% आपका इंटरनेट जो है ना आपका फास्ट चलने लगेगा। अभी 60% आपका इंटरनेट स्लो होगा, मैं आपको 4 सेटिंग कर लेते ना तो ये भी 60% जो है ना आपका इंटरनेट और भी इंक्रीज हो जाएगा रॉकेट से भी ज्यादा तेज। तो यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूं, मैं आपको दूसरा सेटिंग बता दूंगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना होगा, तो जैसे आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे जैसे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, जैसे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको अवार्ड सेटिंग मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे आप अवार्ड सेटिंग के अंदर जाने के बाद और जैसे जाने के बाद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन जाना होगा, जाने के बाद बिल्ट नंबर को 7 बार दबाना होगा। तो जैसे 7 बार दबाएंगे ना तो आपको जो है ना एक खुफिया सेटिंग हिडन सेटिंग होगा वो अनेबल होगा, जिसका नाम है डबल पोर्ट ऑप्शन। डबल पोर्ट ऑप्शन मेरे सेटिंग के अंदर बाहर मिल जाता है किसी फोन के अंदर एक्सेबिलिटी या एडेंटल सेटिंग के अंदर डबल पोर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इस डबल पोर्ट ऑप्शन के अंदर ढेरों सारे सेटिंग बताने वाला हूं जो आपके एसी के अंदर दिखने को मिल जाएगा। तो सबसे दूसरा सेटिंग मैं आपको बता देता हूं डबल पोर्ट ऑप्शन के अंदर, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो आपको 3 सेटिंग मिलेगा, एक विंडोज एनिमेशन टास्क एनिमेशन डू टू स्केल मिलेगा। तो ये तीनों सेटिंग को आपको ऑफ करना होगा, मैंने यहां पे ऑफ करके देख सकते हैं, यहां पे ऑफ करके यहां पे रखा हूं, जैसे कि यहां पे देख सकते, जैसे यहां पे ऑफ करके रखा हूं। दोस्तों ये सेटिंग को ऑफ करने से क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको पता होगा कि आपका फोन फास्ट नहीं चलेगा ना, कोई भी एप्लीकेशन फास्ट ओपन नहीं होगा, गेम जैसे फास्ट ओपन नहीं होगा, डाउनलोड भी फास्ट नहीं होगा, कम से कम आपका मोबाइल भी फास्ट होना चाहिए। यदि आपका मोबाइल फास्ट नहीं होगा ना तो इंटरनेट कितना भी आप फास्ट कर लो आपका इंटरनेट स्लो होगा ही होगा। जी हां मैं गारंटी ले साथ कह रहा हूं कि इंटरनेट तो फास्ट तो होता ही है, लेकिन आपका मोबाइल स्लो होने के कारण जो ना इंटरनेट भी स्लो होने लगता, कोई भी चीज जो ना डाउनलोडिंग फास्ट नहीं होता। तो आपको तीनों सेटिंग को ऑफ करने के बाद जो ना आपके मोबाइल का इंटरनेट जो ना काफी ज्यादा फास्ट चलेगा, कम से कम जो ना ये सेटिंग को ऑफ करने के बाद 20% इंटरनेट जो ना इंक्रीज
इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 40 और 20 कितना हो गया, आप जो है ना 60% जो है ना इंटरनेट फास्ट होने लगेगा, भी तेज, काफी ज्यादा तेज। तो 40% जो है ना इंटरनेट फास्ट करने का है। तो मैं आपको और भी सेटिंग बताऊंगा। तो इसी सेटिंग के अंदर जो है ना तीसरा नंबर का सेटिंग मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो तीसरा नंबर का सेटिंग मैं आपको बता देता हूं। डबल पर ऑप्शन के अंदर ऊपर जाता हूं, तो जैसे ऊपर जाने के बाद एक सेटिंग होगा जो सभी को नहीं पता, ये सेटिंग के बारे में मैं आपको बता देता कि वो सेटिंग यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ढेरों सारे ऐसे सेटिंग है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। जैसे ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिवेट, यहां पे जो है ना ये ऑफ होगा आपके डबल पर ऑप्शन के अंदर। ये सेटिंग को अनेबल करना, जैसे अनेबल कर देते ना तो क्या होगा कि 10% इंक्रीज हो जाएगा आपका इंटरनेट और भी फास्ट होना जाएगा। टोटल आपको 70% इंटरनेट फास्ट हो जाएगा ये सेटिंग को ऑन करने के बाद। क्योंकि दोस्तों ये सेटिंग ऑन करने से क्या होता है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट जो है ना काफी ज्यादा, आपका जो इंटरनेट जो नेटवर्क होता है ना टावर, जो भी आपका मोबाइल नेटवर्क होता है ना फ्लैक्चुअल होता रहता है, यानी कि अप डाउन होता रहता है, जिससे क्योंकि आपका इंटरनेट जो है ना काफी वीक होने लगता है। लेकिन ये सेटिंग ऑन करने के बाद दोस्तों क्या होता है कि आपका इंटरनेट जो है ना कितना भी वीक होने लगे फिर भी जो है ना ये इंटरनेट पकड़ के रखता है और आपका जो है ना डाउनलोडिंग फेल्ड नहीं होने लगता है, कोई भी चीज फेल्ड नहीं होगा, आपका जो है ना इंटरनेट स्लो नहीं करेगा, कितना भी मोबाइल स्लो होगा फिर भी जो है ना ये इंक्रीज करता रहेगा, जोर डालता रहेगा और आपका इंटरनेट जो है ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ये सेटिंग से ये फायदे होते जो बहुत ही कमाल के है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं चौथा नंबर का सेटिंग जो आपके फोन के अंदर सेटिंग के अंदर दिखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको चौथा नंबर का सेटिंग आपको क्या करना होगा, ये जो कनेक्टिविटी में जाना होगा, जैसे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ऊपर जाना होगा। जैसे जाने के बाद यूजिंग देख रहे ना मोबाइल डेटा, या देखते हैं डेटा यूजिंग, इसको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको एक सेटिंग मिल जाएगा जो मैं आपको बता देता हूं। ये जो देख रहे ना अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड, इसको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद इस सेटिंग को अनेबल कर लीजिए। जैसे अनेबल करने के बाद क्या होगा कि लिमिट बैकग्राउंड, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं आपके फोन में ढेरों सारे से ऐप होते हैं जो काफी ज्यादा डेटा लेता है, काफी ज्यादा पावरफुल लेता है। तो यहां पे क्या कर सकते हैं कि आप ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका इंटरनेट जो है ना काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये सेटिंग ऑन करने के बाद 100% 20% जो है ना आपका इंटरनेट जो है ना काफी ज्यादा और भी इंक्रीज हो जाएगा ये सेटिंग को ऑन करने के बाद। एप्लीकेशन ऐड कर देते ना तो आपका इंटरनेट और भी फास्ट हो जाएगा। तो ये सेटिंग को ऑन करके हमेशा आपको रखना होगा। तो ये था चौथा नंबर का सेटिंग जो आपको 100% ऑन करना ही चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं आखिरी और लास्ट सेटिंग के बारे में बता देता हूं जो आपके फोन के अंदर ही है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो ये सेटिंग से आपको बाहर आ जाना होगा। तो जैसे बाहर आने के बाद आपको सर्च बार में जाना होगा। सर्च बार में जाने के बाद RES लिखना होगा, क्योंकि हर मोबाइल के अंदर अलग-अलग सेटिंग होती है जो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो है ना ढेरों सारे से सेटिंग मिल जाएगा। तो ये जो सेक रहे ना आपको इंटर यहां पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग नजर आता होगा, इसको क्लिक करना होगा। तो जैसे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दो सिम मिल जाएगा, यानी कि आपका वन सिम में इंटरनेट यूज करते हैं या डबल सिम में इंटरनेट यूज करते हैं। क्योंकि जब से आप मोबाइल लिए होंगे या जब से आप मोबाइल लिए होंगे तो उसके अंदर आप सेलुलर डेटा होता है ना आप यूज किएंगे, वाईफाई भी यूज किएंगे, तो वो क्या होता है कि आपके मोबाइल के अंदर जो डेटा होता है ना इंटरनेट डेटा हो जाना आपके मोबाइल के अंदर भरने लगता है, काफी कुकीज भरने लगता है, उसका जो जो MB होता है ना काफी ज्यादा जो है ना आपके मोबाइल में स्टोर हो जाता है। इस वजह से भी आपका मोबाइल के इंटरनेट जो है ना काफी ज्यादा स्लो होने लगता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो भी सिम में इंटरनेट यूज करते ना आपका इंटरनेट एक्टिवेट है तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना, लॉक कार्ड परमिशन डालने के बाद आपको रीसेट पे क्लिक कर देना होगा, बस आपको ये काम कर देना होगा। तो जैसे आप ये काम कर देते ना तो आपका इंटरनेट जो है ना इतना ज्यादा फास्ट चलने लगेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। 100% आपका इंटरनेट जो है ना रॉकेट से भी ज्यादा तेज चलने लगेगा। आपका जो 4G इंटरनेट एक्चुअल में आपको मिलता है ना उसी तरह से आपका 4G इंटरनेट चलने लगेगा। सिर्फ आपको ये 5 सेटिंग आपको करना अपने मोबाइल के अंदर। जी हां, तो यही था 5 सेटिंग जो आप अपने फोन के अंदर करना, यदि आप कर लेते ना तो 100% गारंटी लेता हूं कि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफी जबरदस्त बहुत ही कमाल के लगा। वीडियो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।